धोखेबाज लोगों की पहचान। हर व्यक्ति में अपनी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर दूसरों को धोखा देने की आदत होती है। सच और झूठ बोलना एक अलग चीज़ है, पर लोगों को धोखा देना ज़्यादा खराब चीज़ है। दरअसल कोई भी इंसान धोखा तब देता है जब वो उसका करीबी बन जाता है। सामने वाला व्यक्ति उसे अपनी विश्वास की नज़र से देख रहा होता है और वो व्यक्ति उसे धोखे की नज़र से देख रहा होता है। कई मामले खासकर कि करीबी रिश्तेदारों में धोखा खा जाते हैं लोग। ऐसे में धोखेबाजों से कैसे बचा जाए, इस बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो ऐसे में कुछ कॉमन चीज़ों को जानकर आप धोखेबाज लोगों की पहचान कर सकते हैं। नंबर वन, तर्कहीन बात करना। धोखेबाज लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ऐसे लोग तर्कहीन बातें करते हैं। इनकी एक भी बातों के पीछे आपको कोई भी तर्क नहीं नज़र आएगा। साथ ही एक बात दूसरी बात से बिल्कुल भी रिलेट नहीं होगी। तो अगर आप ये चीज़ किसी इंसान के अंदर बार बार देखते हैं तो आपको उससे सतर्क रहना चाहिए और दूरी बना लेनी चाहिए। नंबर टू, हमेशा मिलीजुली बात करना। हमेशा मिलीजुली बात करना मतलब धोखेबाज लोगों के लक्षण होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सीधी बात नहीं करते और आपको कन्फ्यूज़न में रखते हैं, फिर मौका पड़ने पर अपनी बातों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं और अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। नंबर थ्री, अपनी बात से पलट जाना। अपनी बात से पलटना मतलब धोखेबाजों का एक बड़ा लक्षण है। आप इस लक्षण को बार बार गौर भी कर सकते हैं। ऐसे में हमेशा ध्यान दें कि जो लोग अपनी कमिटमेंट से पीछे हटते हैं वो किसी को भी कभी भी धोखा दे सकते हैं। तो अपनी बात से पलट जाने वाले लोगों से थोड़ा सतर्क होकर रहिए। नंबर फोर, ज़रूरत में कभी काम ना आना। धोखेबाजी है, धोखेबाज लोग ज़रूरत के समय कभी भी सामने नहीं आते हैं और अपनी बातों से पीछे हट जाते हैं। ये चीज़ अगर आप किसी इंसान में हर छोटे मौके पर देख रहे हो तो आपको ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए। नंबर फाइव, करीबी और इमोशनल बने रहना। करीबी और इमोशनल बने रहना धोखेबाज की पहली पहचान है। अगर आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो आपसे इमोशनल बातें करता है और करीबी बनने की कोशिश करता है तो आपको उससे सतर्क रहना चाहिए। अपनी कोई बात ऐसे लोगों से शेयर ना करें, कोई भी बात ऐसे लोगों से बिल्कुल शेयर ना करें, क्योंकि धोखा देते समय ये इन बातों का इस्तेमाल कर सकते हैं आपके खिलाफ। तो धोखेबाज लोगों की पहचान और लक्षण को जान लें और सतर्क रहें। डियर, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता है कि वो इंसान कैसा है। ये कुछ लक्षण होते हैं, उसका कुछ बर्ताव होता है, उससे हम जान सकते हैं कि वो कैसा है। तो इन बर्ताव, इन लक्षणों को जानकर आप इंसान से सतर्क रह सकते हैं।